मेरा नाम तीरथ राज मिश्रा, मैं ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारा लड़के का नाम है विनायक मिश्रा। ये बस्ती जिला अस्पताल में पैदा हुआ था, तभी इसके पीठ में एक छोटा सा फोड़ा हो गया था, जिसका हम पूरे मतलब वहाँ पे जिला अस्पताल में के आसपास जो हॉस्पिटल थे वहाँ दिखाए, तो वहाँ कहीं उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं था। वो लोग ने लखनऊ PGI में रेफ़र किया। वहाँ से फिर वो लोग बोले कि अभी इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वहाँ के हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर DK बस्सल जी ने उसका सर्जरी किया। वो भी उस टाइम नहीं कि हमको बोले कि आप एक काम करो, घर पे लेके जाओ इसको एक महीने के बाद लेके आना, तभी हम इसका सर्जरी करेंगे। फिर हम एक महीना बाद लेके गए तो उसका वो सर्जरी किए। फिर सर्जरी करने के बाद फिर हम घर पे लेके आए, तभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो हमको तो मालूम नहीं पड़ा। बाद में उसका पेशाब और टॉयलेट सब कंटिन्यू दिखा। फिर हम वापस वहाँ पे गए लखनऊ में, तो डॉक्टर को दिखाए तो बोले कि भी इसका तो इलाज संभव नहीं है, इसका कोई दवा नहीं बना है, आप कहीं भी मतलब जाके दिखा सकते हो। तो फिर भी हमारा दिल नहीं माना, हम बहुत से जगह पे गए, मतलब दिल्ली गए, लखनऊ गए, कानपुर गए, सब जगह काफ़ी जगह गए, लेकिन कहीं हमको इसका संभव नहीं मिला। फिर उसके बाद एक जख्म हो गया था पीछे मतलब बैक साइड पे, वो भी 4 साल वो भी सही नहीं हो रहा था एकदम। ये जो भी डॉक्टर को दिखाते थे बोलते थे अभी ये दवा देते थे लेकिन सही नहीं होता था। वो कर करके फिर जो है मुंबई में लेके आए तो रिलेटिव की इधर हम रह रहे थे, तो भयंदर में एक डॉक्टर सेठी जी की इधर लेके गए, तो बोले ऐसा है कि इसका आप डॉक्टर नरेश बियानी जी के पास जाओ। उन्होंने वहाँ उनका नंबर दिया और उन्होंने बात किया, तो हम वहाँ पे गए तो डॉक्टर नरेश जी मिले हमसे। तभी बच्चा हमारा 9 साल का हो चुका था। फिर हम वहाँ से नरेश बियानी जी ने हमको यहाँ पे अपना बोले कि अभी SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल का हमको दिए कि अभी आप वहाँ पे जाओ, अभी आपका जो मैं सर्जरी करूँगा मैं तो खाली स्पाइन कोर्ड का सर्जरी करूँगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप उस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका बच्चा सही हो जाएगा। फिर हम वहाँ से निकले, सीधा हॉस्पिटल आए, पैर भी एकदम काम करना बंद कर दिया था पूरी तरह से। फिर डॉक्टर तरल जी ने सर्जरी किया, वो भी एकदम बहुत सही हो गया। हमारे बच्चे का ट्रीट मतलब यूरिन एकदम कंटिन्यू था, कभी रुकता ही नहीं था। यहाँ पे डॉक्टर अमरीश बैद जी, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर अश्विनी जी, इन डॉक्टर जी से मिला मैं। डॉक्टर अमरीश बैद जी ने देखा, उन्होंने बोला नहीं है, हम सही करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है पूरा धीरे धीरे, अभी सब कंट्रोल होते गया पूरा। मतलब हमको जो चीज़ मैं उम्मीद छोड़ चुका था वो हमको मिला है। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारा एकदम 70-80% तक सही हो गया है। अभी हमको कुछ भी नहीं लगता कि नहीं सही नहीं होगा। वो भी हमको इस हॉस्पिटल में आने के बाद ही सब कुछ मिला है, डॉक्टर जी के ट्रीटमेंट की वजह से, कुछ थेरेपी की वजह से, सब डॉक्टर जी ने मिलकर ट्रीटमेंट किया है। आज मेरा बच्चा चल सकता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये चल पाएगा या ऐसा होगा। मुंबई में आने के बाद भी हमको उम्मीद नहीं लगी थी कि हमारा बच्चा सही होगा। नरेश बियानी जी ने हमको यहाँ भेजा तो हमको एक नया रास्ता मिला। यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही खुश हुआ और आज भी मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरा बच्चा चल रहा है, यूरिन भी कंटिन्यू जो था वो सही हो गया है, उसका थेरेपी भी हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से।
कुछ दवा की वजह से, कुछ थेरेपी की वजह से, लेकिन सब काम बहुत अच्छा हो रहा है इस हॉस्पिटल का, कि सब डॉक्टर ने मिलकर हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट किया है। इस हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये चीज़ मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हॉस्पिटल, ऐसे डॉक्टर हमको मिलेंगे। और मैं चाहूँगा और भी जिस बच्चे को ऐसी समस्या हो तो उसका इलाज है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसका इलाज नहीं है। मैं सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा सही हो रहा है। मैं सारा उम्मीद खो चुकी थी कि मुझे लगता था मेरा बच्चा सही ही नहीं होगा, लेकिन आज इस हॉस्पिटल में मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा बच्चा सही हो रहा है। सभी लोग मिलकर मेरा बहुत सहयोग किए, मेरा साथ दिए और मेरा बच्चा सही हो गया है। दरोगा बनना है।